الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں بڑی عقیدت و احترام اور محبتوں کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے اس کا مکمل سہرا عزیز محترم مجاہد اہل سنت محترم احسان صاحب کے سر جاتا ہے جنہوں نے بہت ہی محبتوں اور عقیدتوں سے مجھ ناچیز کو آپ کے درمیان میں مدعو کیا اور پھر یہاں کی عزیز الاولیاء کانفرنس کے ذمہ داران اور اسٹیج پر جلوہ فروز جلیل القدر علماء اکرام ناطخہ حضرات شعراء اکرام اور بالخصوص مظفر پور کے رہنے والوں کی محبتوں نے مجھے دوبارہ یہاں پر آنے کی توفیق اور سعادت سے سرفراز فرمایا ہے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں جن کی محبتوں نے مجھے بار بار اس مظفر پور کی اس پاک زمین پر جو اللہ کے ولی حضور سیدنا مست علی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زمین ہے اس پاک زمین پر مجھے بیٹھنے اور اس اللہ کے ولی کا فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو
अपने इस महबूब वली हजरत मस्त अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैहि व आलिही के सदक़े व तुफ़ैल से अल्लाह ताला हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान बना दे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, आप हजरात मेरी गुफ्तगू के दरमियान अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिए, मुझे टेंशन नहीं है, मगर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए तो इंशाअल्लाह ताला मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आप सुभान अल्लाह मत बोलिए, सो जाइए, आंख बंद कर लेके सो जाइए, सो के सुन लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम इतने लाखों रुपया खर्च करके इतनी दूर दूर से शोरा इकराम को उलमा इकराम को सिर्फ इसीलिए बुलाया गया ताकि आपके ईमान को तहफ्फुज़ नसीब हो जाए। ये मकसद जलसा कराने का बस एक ही है, ये मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि आज हर गली के अंदर बदअकीदगी, हर घर के अंदर बदअकीदगी, हर शहर में बदअकीदगी फैलती फैलती चली जा रही है। ये एक वायरस बन गया है जो हर घर में, हर दिमाग में, हर दिल में, हर कान में घुसता जाता है और इंसान की आखिरत को तबाह ताराज कर रहा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं की औलाद को गुस्ताख रसूल बेदीन बद मजहब बना रहा है, औलिया अल्लाह से दूर किया जा रहा है। तो अब जो अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, जिनको ईमान को कुव्वतें और मजबूती अता की है, अल्लाह ने जिनको चुन लिया है, वो लोग अपना माल, अपना रुपया, अपना वक्त, अपना कारोबार सब कुछ कुर्बान करते हैं और आपके ईमान को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और ऐसे जलसे मुनक्किद करते हैं ताकि आने वालों को ईमान का तहफ्फुज़ नसीब हो जाए और बुजुर्गों से जो अकीदत लगाओ हमारे बाप दादाओं ने हमें दिया वो अकीदत बरकरार रह जाए। तो अब आइए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप सुभान अल्लाह बिल्कुल भी मत बोलिएगा, बिल्कुल मत बोलिए, मगर बात सुन लीजिए, इंशाल्लाह सुनेंगे। शायर का मिजाज अलग होता है, मुखर्रिर का मिजाज अलग होता है। शायर की मिजाज में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कैफियत रखी है, वो शायर आपसे ये देखना चाहता है कि आप उसकी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि शेर किधर जा रहा है, आपकी लगी कि नहीं लगी, ये शायर देखना चाहता है। उसी देखने के लिए आपको बोलता है सुभान अल्लाह बोलिए, मगर एक आलिम एक मुखर्रिर ये देखना नहीं चाहता कि लगी नहीं लगी, नहीं लगी तो भी चला, नहीं सुनी तो भी चलता, समझ में आ गया तो बस है। बात समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, अरे वाह, जब से बोलो बोले तो नहीं बोल रहे, अब नको बोले तो बोल रहे ना, सुभान। अरे ग्रेट लोग आए बिहार के, सुभान अल्लाह, अब तक सुनता था पहली बार देखने को मौका मिलगा, सुभान अल्लाह, मत बोलिए आप लोग, फिर बोल रहे हैं, अरे वाह सुभान अल्लाह, ग्रेट आदमी आए सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए, अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ कुरान शरीफ की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के महबूबों को, अल्लाह के प्यारों को, अल्लाह के चहीतों को, अल्लाह के नेक बंदों को ना किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर करें कि भाई ये खौफ भी नहीं है वलियों को और गम भी नहीं है, आखिर बात क्या है? आपने हजारों बार ये मसला सुना होगा, कुरान की आयत आपने तर्जुमे के साथ सुनी होगी कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। तो फिर ये खौफ और गम क्यों नहीं है? अगर आप इतनी बात समझ लें तो खुदा की कसम वली का मुकाम आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ये जो वलियों की अजमत है कि वलियों को खौफ भी नहीं होता और गम भी नहीं होता, वलियों की ये शान कोई मौलवी या मुल्ला जी बयान नहीं कर रहे हैं, वलियों को पैदा करने वाला खालिक़े कायनात बयान कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर रहा है कि वलियों को खौफ नहीं है, मेरे वलियों को गम नहीं है। अच्छी जरा सोचो, अगर अजमत बयान करना था तो अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि मेरे वली नमाजी होते हैं, मेरे वलियों की शान है कि वो कसरत से रोजे रखने वाले होते हैं, मेरे वलियों की शान है वो ज़कात देने वाले होते हैं, वो तक़वा शियार होते हैं, वो तिलावत करने वाले होते हैं, वो क़ारी
قرآن ہوتے ہیں وہ خاصی وہ مجاہد ہوتے ہیں مگر رب نہ ان کی نماز کا تذکرہ کر رہا ہے نہ ان کے روزوں کا ذکر کر رہا ہے جبکہ ولی اللہ اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا ہونے نہیں دیتا ہے ایک روزہ بھی ترک ہونے نہیں دیتا ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی مولا کی رضا کے لیے گزار دیتا ہے مگر پھر بھی اللہ نہ ان کے نمازی ہونے کا ذکر کر رہا ہے ان کی عظمت میں نہ قرآن کے قاری ہونے کا ذکر کر رہا ہے ان کی عظمت میں نہ ان کے روزے دار ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہم نے پوچھا اے اللہ یہ عظمت کیوں بیان کی نماز والی عظمت کیوں بیان نہیں کی روزے والی عظمت کیوں بیان نہیں کی اے اللہ ان کے حج کرنے کی عظمت کیوں بیان نہیں کی غازی و مجاہد ہونے کی عظمت بیان کیوں نہ کی تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو اگر میں ان کا یہ تذکرہ کرتا کہ یہ کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں اس لیے یہ میرے ولی ہے میرے ولیوں کی شان یہ ہے یہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں کثرت سے زکات دیتے ہیں کثرت سے حج کرتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے ہیں کثرت سے قرآن کرتے ہیں تو کوئی بھی ملا کوئی بھی ملا نماز پڑھنے والا کہتا کہ یہ نمازی جو اللہ کا ولی ہے جس کی شان قرآن میں بیان ہوئی وہ میں ہوں واہ 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 ہر نمازی دعوے دار ہو سکتا تھا میں ولی ہوں ہر روزے دار کہہ سکتا تھا میں ولی ہوں ہر حاجی کہہ سکتا تھا میں ولی ہوں ہر ذاکر کہہ سکتا تھا میں ولی ہوں اس لیے اللہ نے کہا نمازی تو ہر فرقے میں مل جائیں گے روزے دار تو ہر جماعت میں مل جائیں گے قاری تو ہر جگہ مل جائیں گے ارے حاجی تو ہر گھر میں مل جائے گا لیکن ولی اللہ ہر فرقے میں نہیں ملے گا ہر فرقے میں نہیں ملے گا ولی کو دیکھنا ہو غوث اعظم کو دیکھنے والی سمجھ میں آ جائے گا غریب نواز کو دیکھنے والی سمجھ میں آ جائے گا حضرت عزیز الاولیاء مستان علی شاہ حضرت تیغ علی شاہ کو دیکھ لے وہ ولی سمجھ میں واہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فزار حضور تادو شریعہ فزار حضور تادو شریعہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات سمجھ میں آئی دوستو اب ولیوں کو دیکھنا ہو نماز بھی دیکھو روزہ بھی دیکھو زکات بھی دیکھو حج بھی دیکھو ذرا ان کی بارگاہ میں زانو ادب بیٹھ کے ان کے خوف کا عالم بھی دیکھو ان کے غم کا عالم بھی دیکھو دنیا کا ہر نمازی خوف والا نظر آئے گا پریشان حال نظر آئے گا غم زدہ نظر آئے گا مگر اللہ کے ولیوں کو دیکھو ہر خوف ان سے پناہ مانگتا ہوا نظر آئے گا ہر خوف ان سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور غم ارے غم تو غم ہے جس کو غم ہو جائے وہ ان کی چوکھٹ پہ آ جائے تو غم چاہتا ہوا نظر آ جائے گا سبحان اللہ, اللہ یہ ہے ولیوں کی شان دوستو اس لیے رب نے سو کہا بندو نمازی تو ہر فرقے میں مل جائیں گے مگر بے خوف و بے غم کہیں اور نہیں ہمارے محبوبوں میں نظر آئے سبحان اللہ 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 پیارے بزرگ اور دوستو غور کرنے والی بات ہے آپ ذرا سوچئے گا یہ خوف اور غم کیا چیز ہے واقعی سوچنے والی چیز ہے مثال دیتا ہوں بات پوری آپ کے پلے پڑ جائے گی انشاءاللہ دوں بھائی سبحان اللہ کون کون نہیں سن رہے ہاتھ اٹھاؤ سبحان ارے واہ سب سن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ٹیسٹنگ کی ٹینشن نہیں لینا ٹیسٹنگ کی کیونکہ اپنے پاس سبحان اللہ بولنے کا چکر نہیں ہے نا آپ بول رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بولو گڈ ویری گڈ سبحان اللہ مگر نہیں بولیں گے تو نو پرابلم اپن تو ٹیسٹ کرتے رہیں گے آپ سن رہے نہیں سن رہے سبحان اللہ تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کریے گا خوف اور غم کیا چیز ہے مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے دیکھیے آپ جلسے میں آئے ہوئے ہیں باہر آپ کی گاڑی ہے پلسر 220 سبحان اللہ ہے نہیں بولنا جی پھر بولے تم لوگ پیارے بزرگ اور دوستو پلسر 220 آپ کی کتنے کی ہے صاحب بولے 2 لاکھ کی ہے مولانا او ماشاء اللہ ویری گڈ آپ جب جلسے گاہ میں آ رہے تھے وہاں پلسر آپ کی گاڑی رکھ کے آپ کیا کر رہے اپنی گاڑی کو لاک ڈالے لاک ڈالے نہ ڈالے نہ ڈالے ذرا دو لو بولے ہاں سبحان اللہ لاک ڈالے آپ لاک آپ ڈال کے چابی
निकाल लिए, निकाल के क्या करें आप, हैंडल कुछ चेक करें ऐसा लॉक पड़ा नहीं पड़ा। जी जी बेशक, ये इंसानी फितरत है, ये मिजाज है, ऐसा हैदराबाद में नहीं पूरी दुनिया में ऐसी छोटा। जी जी क्या कहने, कार से कार को लोग क्या करते रिमोट कंट्रोल से लॉक करते, लॉक करने का एक बजर भी आता, एक टून आती कि लॉक हो गई, फिर भी उसके बावजूद क्या करता हैंडल को पकड़ के खींच के देखता लॉक पड़ा नहीं पड़ा। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी एहतियात है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों आप जरा गौर करें, आप लॉक कई कूदा ले गाड़ी को जबकि आप यहीं बैठे गाड़ी में ही, लॉक क्यों डाले, क्योंकि आपको एक खौफ है कि मैं इधर जलसे में नक्शबंदी साहब को सुनता रह जाऊंगा कहीं चोर मेरी गाड़ी मार के निकल तो नहीं चले जाएंगा, ये खौफ है, ये खौफ है आपको कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, ये आपको खौफ है मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, इस बात का आपको खौफ है इसलिए आपने अपनी गाड़ी को लॉक डाला, इसको कहते हैं खौफ। अब जरा गम किसको कहते हैं जरा देखिए, अरे भाई जरा प्लीज यार, पहले सुभान अल्लाह बोलने का नहीं है, ये बेचारा बीच बीच में घुस जा रहा, अच्छा सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करिएगा, तो आप इसको कहते हैं खौफ जो आपने गाड़ी को लॉक डाला। अब आप इधर तकरीर सुनते रह गए, मगर हमारे मुजफ्फरपुर में एक ऐसा भयानक चोर है, आप लॉक डालने के बाद भी चाबी जेब में रखने के बाद भी हैंडल चेक करने के बाद भी पट्टा क्या करा गाड़ी खोल लिया लेके निकल गया, मास्टर की थी उसके पास निकाल लिया चल दिया। आप तकरीर सुन रहे हैं नक्शबंदी साहब की, फुल मूड में जबरदस्त मुस्कुरा रहे हंस रहे पेट कच्चा हो गया, बाहर जाने के बाद आप देखे आपकी गाड़ी है ही नहीं, आप बौरान परेशान, मेरी गाड़ी कहां है मेरी गाड़ी कहां है मेरी गाड़ी कहां है, पूरे मजमे को रोक दिया, ठहर भाई गाड़ी देख दे, वो दोस्त इधर देख रहे मुंतजिमीन देख रहे गाड़ी मिल रही नहीं। अब उसके बाद जो आप की कैफियत चेंज होते 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 ऐसा गम में मुब्तला हो गए कि अब आपकी आंख से आंसू भी जारी हो गए, चेहरा भी छोटा होगा, जुबान से बेसाख्ता कलिमात निकलना भी शुरू हो गए। अब लोगों ने आपसे पकड़ के पूछा, भाई जब से तो तकरीर में बैठ के हंस रहा था अब बाहर निकल के रो रहा, बात क्या है, बोले मियां मेरी गाड़ी चले गई, गम में मुब्तला हूं। बेशक बात समझ में आई। अब यहां पर दो चीजें, एक खौफ जिसकी वजह से आपने लॉक डाला और लॉक डालने के बाद भी गाड़ी चोरी हो गई, ये आप गम, खौफ और गम। मगर अब जरा बताएं ये खौफ और गम दोनों आपको क्यों लगे, आप जब गाड़ी लाके रखे लॉक डाले, लॉक डाले तो आपने अपनी गाड़ी को चेक किया, हालांकि आपकी गाड़ी के पास जो और एक गाड़ी थी आप चेक करें उसको, चेक करें नहीं करे, अपनी है नहीं जी, चेक उसको किया जाता है जो अपनी होती है, बेशक हक है, बात समझ रहे, दूसरों की गाड़ी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी है नहीं जी। और अब आप बाहर निकले गाड़ी जिसकी चोरी हो गई वो ही रोएगा, दूसरा आदमी उसके कंधे पे सर रख के नहीं रोएगा, ढूंढने में साथ दिन का मर गम में नहीं है, मस्त है पट्टा, बोले क्यों भाई तेरे को टेंशन नहीं है, बोले मेरी गाड़ी गई क्या, जिसकी गई उसको गम जी, जिसकी नहीं गई उसको कोई टेंशन नहीं है। तो पता क्या चला, खौफ और गम का ताल्लुक अपनाइयत से है, सुभान अल्लाह, खौफ और गम का ताल्लुक अपनाइयत से है, खौफ उसको होता है जिसकी चीज अपनी होती है, गम उसका होता है जिसका कोई अपना होता है। मगर याद रखो अल्लाह के वलियों की ये शान है, इनको जमीनें भी दी गई, घर भी दिए गए, औलाद भी दी गई, खानदान भी दिया गया, कबीला भी दिया गया, मुरीद भी दिए गए, शागिर्द भी दिए गए, लाखों लुट गए मगर गम नहीं हो रहा है, खौफ नहीं हो रहा है। पूछा हजरत जमीन है, लूटने वाला लूट लेगा, खौफ क्यों नहीं है, तो वलियों ने जवाब दिया हमने इस जमीन को अपना समझा कब है, ये जो कुछ भी है मेरे मौला का है, जो कुछ भी है मेरे रब का है, तुम्हारे औलाद इनके घरों में थी मगर ये औलाद को अपनी औलाद से ज्यादा रब की अमानत समझा, रब की अमानत समझा करते थे, इसीलिए ये अपनी हर चीज अपने मौला पे कुर्बान कर दिए। अरे हद तो ये हुआ,
बाज वलियों को ऐसा भी देखा गया कि मेरे दोस्तों उनकी आंख चले गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पैर चला गया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके हाथ टूट गए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें बंद हो गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जुबानें बंद हो गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त तो ऐसा भी आया सांसें रुक गई, आखिरी वक्त भी बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम, माशाल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हर चीज को अल्लाह की अमानत समझते हैं, ये है अल्लाह वाले। हम लोग क्या बोले, ये घर किसका है? बोले मौलाना मेरा। हाँ, ओहो माशाल्लाह, आपका है, है नहीं है? आप हर चीज कहते हैं मेरी है, गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, दुकान मेरी है, कारोबार मेरा है, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाया ये मेहनत मेरी है, इतनी आलीशान गाड़ी खरीदा ये मेहनत मेरी है, वो बैंक में जो रखा वो माल मेरा है, ये जो जमीन है मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। ये दुनियादार लोगों की अलामत है, ये अल्लाह के दिगर बंदों की अलामत है, मगर महबूबों की शान देखो। पूछा हजरत ये किसकी चीज है, ये जमीन किसकी है? कहा अल्लाह की है, ये अल्लाह की अमानत है। कहा हजरत ये औलाद क्या है? कहा ये अल्लाह की अमानत है। कहा हजरत आपकी ये जिंदगी क्या है? कहा अल्लाह की अमानत है। सुभान, इन्होंने कभी नहीं कहा ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। इन्होंने इन्होंने तो अपनी रातों को भी अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने दिन को भी अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने खाने पीने को भी अल्लाह के हवाले कर दिया। हद तो ये है, अपनी सांसों को भी अल्लाह के हवाले कर दिया। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना मुहद्दिस दकन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था। वो हजरत के पास बैत हुआ, बैत होके नक्शबंदिया सिलसिले में जिक्र लिया। हजरत बोले 2000 मरतबा रोजाना अल्लाह 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 दिल से करो। नक्शबंदियों करने जिक्र खल्बी होता है, दिल से अल्लाह अल्लाह 2000 मरतबा करो। करने लगा, फिर थोड़े दिन के बाद बोले कि भाई हजरत मेरी ये कैफियत है, हजरत जिक्र में इजाफा कीजिए। बोले 4000 बार करो। फिर थोड़े दिन का 8000 बार करो। फिर थोड़े दिन का 10000 बार करो। माशाल्लाह, रोजाना 10000 मरतबा अल्लाह 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 दिल से चल रहा है, कैफियत बेहतरीन बनती जा रही है, बनती जा रही है। एक दिन और जिक्र बढ़ाने के लिए पीर की बारगाह में मुरीद आ रहा है, तो मुरीद के जहन में ख्याल आया, मुरीद के जहन में ख्याल आया शैतान की तरफ से, क्या मियां तू रोजाना 10000 मरतबा जिक्र कर रहा, जरा सोच हजरत भी करते होंगे, तू इच कर रहा मियां हजरत भी करते होंगे, ऐसा ख्याल डाल दिया। देखो कभी भी मुरीद की और मुर्शिद की जंग नहीं होती, दोनों ऐसा पंचा नहीं मार लेते, फैटा भैरिया नहीं मार लेते। मुरीद और मुर्शिद की जंग क्या है कि मुरीद के दिल में मुर्शिद के ताल्लुक से शैतान गलत ख्याल पैदा कर देता, यही है जंग सबसे बड़ी, यहीं से तबाही और बर्बादी शुरू। तो अब मुरीद के दिल में ख्याल आया मियां तू इतना जिक्र कर रहा, तेरे हजरत भी करते कि नहीं करते, जरा एक मरतबा पूछ तो ले। जाके हजरत की बारगाह में बैठा, बैठ के पूछा सरकार मैं 10000 मरतबा रोजाना अल्लाह को याद कर रहा हूं, आप भी करते? पूछ दिया, शैतान डालता या निकल जाता। तो अब हजरत क़िबला अल्लाह के वली है, समझ गए, बोले ये तेरी बोली नहीं है, ये उसकी बोली है, ये शैतान की बोली है, ये तेरी बोली नहीं है, ये शैतान तुझे सिखा के भेजा कि तू अपने मुर्शिद के ताल्लुक से ऐसा गलत सवाल कर ताकि तेरा ईमान बर्बाद हो जाए, आखिरत तबाह हो जाए। अल्लाह हू अकबर। तो अब हुआ क्या, जैसे ही पूछा हजरत मैं तो 10000 मरतबा अल्लाह को याद करता हूं, क्या आप भी याद करते हैं? तो हजरत क़िबला ने इरशाद फरमाया बाबा देखो आप एक दिन में कितने घंटे गुजारते हैं? बोले 24 घंटे। बोले 24 घंटे में आप कितने मर्तबा सांस लेते हैं? बोले हजरत नहीं मालूम। बोले बाबू जाओ मालूम करके आओ। भिजा दिए, जाके अब हकीमों का ने तबीबों का ने फिर फिर के मालूम करा कि आदमी एक दिन में 24 घंटे में 24000 मर्तबा सांस लेता है। कितने मर्तबा? जरा जोर से बोलो,
24,000 मर्तबा सांस लेता आकर दूसरे दिन का, हुजूर मैंने हकीमों और तबीबों से मालूम किया कि एक इंसान 24 घंटे में 24,000 मर्तबा सांस लेता है। तो हजरत ने फरमाया, बाबा मैं एक सांस में 5 मर्तबा अल्लाह को याद करता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये हैं अल्लाह वाले। इन्होंने तो अपनी सांसों को भी अल्लाह के हवाले कर दिया, कहा ये सांस भी हमारी नहीं है, हर चीज अल्लाह की अमानत है। इसीलिए 200 साल हो गए, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह आए चले गए, मिट गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हड्डियां बन गए, मगर 200 साल हो रहे हैं हजरत मस्त अली शाह खत्म नहीं हो रहे। 200 साल के बाद भी, हालांकि ना हम उनके बाप दादाओं से वाकिफ हैं, ना हम उनके शिजरे से वाकिफ हैं, ना हम उनके हुलिये से वाकिफ हैं, ना हम उनकी कैफियत से वाकिफ हैं, मगर 200 साल बाद भी हमारे दिल उनकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, अल्लाह ने कहा है जो मेरा मैं उसे कभी मरने नहीं देता हूं, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो हमेशा जिंदा रहता है, वो अजीजुल औलिया हो तो भी जिंदा रहता है, वो इमाम आजम अबू हनीफा हो तो भी जिंदा रहता है, वो अजमेर वाला गरीब नवाज हो, 800 साल हो गया मगर आज भी मुसलमानों में जिंदा नजर आ रहा है, अरे हजार साल हो गए मगर आज भी गौसे आजम जिंदा नजर आ रहे हैं, अरे 1400 साल हो गए, खुदा की कसम गुलामों के सीने में आज भी मुस्तफा जिंदा नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों ये जिंदगी मिली दोस्तों? हालांकि गरीब नवाज ना हमारे खानदान से हैं, ना हम उनकी औलाद से हैं, ना हम उनके रिश्ते में हैं, ना हम उनके जो है पहचानने वालों में हैं, ना हम उनके मिलने झुलने वालों में हैं, मगर खुदा की कसम हमारे बाप को अगर कोई बुरा बोले तो हमारे दिल को उतनी तकलीफ नहीं होती है, गरीब नवाज को कोई बुरा बोले तो जितनी तकलीफ होती है। ये दिल की अथाह गहराइयों में मोहब्बत हमारे अम्मी जान ने पैदा नहीं किया, ये हमारे बाबा जान ने पैदा नहीं किया, ये दिलों में ये लज्जत, ये मोहब्बत, ये तड़प हमारे किसी और उस्ताद ने नहीं, बल्कि इनके पैदा करने वाले रब ने पैदा किया, ये अल्लाह की अता है दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। इसीलिए अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता, इन्हें किसी चीज का गम नहीं होता, ये सब कुछ अल्लाह के हवाले। एक वाकया सुनाता हूं ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कई मर्तबा ये वाकया दीगर उलमा से भी सुना होगा, सरकार गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं, हजारों मुरीदीन मोतकिदीन सामने बैठे हुए हैं, बल्कि लाख के करीब बैठे हुए हैं। सरकार गौसे पाक का खादिम पीछे से आया और आकर कान में कहने लगा, सरकार जो आपका माल जहाजों के जरिए से बिक्री के लिए गया था और जब वो बिक गया तो वापसी में जो पैसा, जो माल रुपया आपका फुला जहाज से आ रहा था, इत्तला मिली है कि वो जहाज समंदर में डूब गया, वो कश्ती वो बोट समंदर में डूब गई। गौसे पाक सरकार जैसे ही अपने खादिम की यह गुफ्तगू सुने, खलबे अथर की तरफ मुतवज्जे हुए, ऐसे आंख बंद करे खल्क की तरफ देखे, फिर ऐसे चेहरे उठाकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक सरकार खिताब करना शुरू कर, खिताब करना, फिर थोड़ी देर के बाद खादिम आया, आकर कहा, सरकार वो जो जहाज डूब गया था वो इत्तला गलत थी, वो किसी और का जहाज था, आपका जहाज तो सेहत और सलामती के साथ पूरे पैसे माल हिफाजत के साथ लेकर वापस आ रहा है। फिर गौसे पाक सरकार सुने तो फिर खल की तरफ मुतवज्जे हुए, आंख बंद करे देखा, देखकर फिर चेहरा उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह।
परेशान हो गए सुनने वाले, बोले आखिर ये मुरीद आके खानकान में बोलता क्या है? और फिर हजरत से बोला दो बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, खिस्सा क्या है भाई? मजलिस खत्म हो गई, सारे जाने वाले जले चले गए, लेकिन एक आशिक दीवाना था जो सरकार की एक एक हरकत पे खास नजर रखता था। आके हाथ जोड़ के पूछा, सरकार आखिर मामला क्या है मेरे आका? जब पहली बार आके खादिम ने कुछ कहा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खादिम ने दूसरी बार भी कुछ कहा आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बात क्या है? गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाते, सुन, जब पहली बार मेरे खादिम मेरे करीब आया तो खबर दी कि मेरे माल और दौलत का जहाज डूब गया, तो मैं अपने खल्फ की तरफ मुतवज्जे हुआ, देखा कि माल के डूब जाने के गम में कहीं मेरा खल्फ परेशान तो नहीं है, गम में मुब्तला तो नहीं है, कहीं रंजो आलम में फंस तो नहीं गया। मैंने खल्फ की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि माल के डूब जाने का कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई आलम नहीं है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस खबर के सुनने के बाद भी मेरा दिल गम में नहीं है, बल्कि अपने यार के जिक्र में लगा हुआ है, अपने मौला से मोहब्बत में लगा हुआ है। फिर दोबारा मेरे खादिम ने आकर मुझसे कहा कि हजरत वो जो जहाज था वो आपका नहीं, वो किसी और का था, आपका जहाज सेहत और सलामती के साथ आ रहा है। तो फिर मैं खल्फ की तरफ मुतवज्जे हुआ कि डूबने का गम तो नहीं था मगर आने की खुशी में है क्या? अल्लाह अल्लाह, माल के आने की खुशी में है क्या? जब मैंने अपने खल्फ की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा ना डूबने का गम था ना आने की खुशी है, बल्कि जब डूबा था तब भी अल्लाह का जिक्र कर रहा था और माल आ रहा है तो अभी भी मेरा दिल अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों की कितनी भी तारीफ कर लो अल्लाह वालों को खुशी नहीं होती, वो अपनी हर तारीफ को अल्लाह की तरफ फेर देते हैं, कहते हैं अल्लाह हकीकत में ये तारीफ का मुस्तहिक तो तू है। अल्लाह अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की शान। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, ये अल्लाह वाले ऐसे ही अल्लाह वाले नहीं बने, ये लोग जो है ऐसे ही अल्लाह वाले नहीं बने, इनको तो अल्लाह ने मुंतखब करके अल्लाह वाला बनाया है। बाज लोगों का ख्याल है नमाज पढ़ते पढ़ते वली बन जाते, रोजा रखते रखते वली बन जाते, हज करते करते वली बन जाते। अल्लाह चाहा तो ऐसा भी हो सकता है मगर ऐसा बहुत कम होता है। अल्लाह चाहा तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हकीकत में होता क्या है? वली, याद रखो, किसी मुरीद का इंतखाब नहीं होता, वली किसी मुर्शिद का इंतखाब नहीं होता, वली कौम का इंतखाब नहीं होता, वली किसी मोहल्ले वालों या गांव या रियासत वालों का इंतखाब नहीं होता। याद रखो, नक्शबंदी लोग मिलके किसी नक्शबंदी को वली नहीं बनाते, खादरी मिलके किसी खादरी को या सारे चिश्ती मिलकर किसी चिश्ती को वली नहीं बनाते। वली लोगों का इंतखाब नहीं, वली खालिक कायनात रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर वली बना लेता है। और बाज वली वो होते हैं जो पैदा होने के बाद विलायत के मनसब पर जाते हैं, और बाज वो होते हैं जो पैदा बाद में होते हैं, उनकी विलायत का डंका पहले बजाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह के वलियों की शान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह के वलियों पर। अब आए भाई, मैं एक लतीफ गुफ्तगू आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मौलाना साहब बेशक अल्लाह के वली वली होते हैं, लेकिन वली भी तो हमारी तरह एक इंसान है। ऐसी क्या खास बात वलियों के अंदर होती है जो आप लोग वली वली कह के वलियों के इतने दीवाने हो जाते हैं? याद रखो दोस्तों, अगर कोई इंसान वलियों को आम दर्जे का बंदा समझता है तो ये इंसान की गलत फहमी है, ये इंसान की गलत फहमी है। देखो, एक ही घर में बाप भी रहता है, उसी घर में एक बेटा भी रहता है। बाप रोजाना लारी या ऑटो या कार चलाता है मगर बेटा हाफिज कुरान होता है। माशाल्लाह, बेटा जरा जोर से बोले हाफिज कुरान। क्या है बेटा? अब आप ईमानदारी से बोले, बाप बड़ा है कि मर्तबे में बेटा बड़ा है? कह का बड़ा है भाई, बाप बड़ा है, हर हाल में बाप बड़ा है भाई।
चाहे बेटा वली बन जाए मगर बड़ा तो बाप ही छे। सुभान अल्लाह, नया मसला मालूम होगा आप लोगों को। नहीं, बेटा चाहे वली बन जाए मगर मर्तबे में तो बाप ही बड़ा है। बेटा चाहे वली बन जाए तब भी उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे ही छे। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए दूध पिलाने वाली माँ से बड़ा नहीं हो सकता। हर हाल में माँ बड़ी है सुभान अल्लाह, हर हाल में माँ बड़ी है दोस्तों। मगर अब याद रखो, अब ईमानदारी से बताओ, जहन बाप के पास भी है, जहन बेटे के पास भी है। बेटा अपनी जहनी सलाहियत का सही इस्तेमाल करा तो हाफिज कुरान बन गया, मगर बाप का ने जहन है बाप हाफिज कुरान नहीं बन गया, नहीं बन। मगर आप बताओ क्या ऐसा कंपेयर किया जा सकता है? कोई बोले कि ये मेरा बेटा हाफिज कुरान है, आप बोले अरे चल मैं हट, तूने माना उन्हें कैसा बनता? हो सकता नहीं हो सकता। ये बोलने वाला जाहिल हो सकता है मगर ये मसला सच। अजी एक ही घर में बाप बेटे दोनों रहते हैं। बाप वो है जिसको देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, मगर बेटा वो है जो मुसल्ले पे खड़े हो जाए तो एक ही रात में पूरी कुरान सुना के छोड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो पता क्या चला है? बेटा अपने बाप के साथ रहता जरूर है लेकिन बेटे की शान अलग है, बेटे का मुकाम अलग है, बेटे का मर्तबा अलग है। इसी तरह मुसलमानों, वलीउल्लाह जो होते हैं इनको भी हाथ है, हमको भी हाथ है, इनको भी पैर है, हमको भी पैर है, इनको भी जिस्म है, हमको भी जिस्म है, मगर हमारे जिस्म दुनिया की मोहब्बत में तड़प कर बर्बाद हो गए और ये अल्लाह वालों के जिस्म अल्लाह की मोहब्बत में तड़प कर बर्बाद हो गए हैं, सरसार हो गए हैं, रहमत वाले हो गए हैं। अरे ऐसी रहमत पा लिए सारी कायनात के इंसानों का मर्तबा एक तरफ, अजमेर वाले गरीब नवाज का मर्तबा एक तरफ, सारे इंसानों की जिहानत, बरेली वाले अहमद रजा की जिहानत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु, वाह। मसलों को समझो दोस्तों, मसलों को समझो दोस्तों, मसले समझने की चीज है। अल्लाह ने अकल ये फाख्ते उड़ाने के वास्ते नहीं दी है, अल्लाह की कुदरत को समझने के वास्ते दी है। जो अल्लाह की कुदरत को समझ गया उन्हें कभी बदअकीदा, बेदीन, बद मजहब नहीं होता, कभी बद मजहब नहीं होता। अल्लाह की दीन, अल्लाह की दी हुई अकल का इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें पक्का फातिहा वाला, सलाम पढ़ने वाला सुन्नी बनता, उद्दान बनता, उन्हें उद्दान धुआं जगाने वाला, वलियों की बारगाहों में खुशबू फैलाने वाला। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, आप जरा गौर करिए क्या शान है अल्लाह के वलियों की, क्या मकाम है अल्लाह के वलियों का। बेशक ये इंसान हमारे जैसे जरूर हैं लेकिन खुदा की कसम इंसान तो हैं मगर हमारे जैसे इंसान नहीं है। हमारा मामला कुछ और है, उनका मामला कुछ और है। बेशक हमारे हिंदुस्तान से बहुत बड़ी साइंटिस्ट गुजरी है, कल्पना चावला, साइंटिस्ट है, इंसानिच है, बल्कि आप तो भी नमाज पढ़ने वाले, वो बिचारी जिंदगी में एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी। आप तो तहारत से रहने वाले, कुरान पढ़ने वाले, जुम्मा पढ़ने वाले, ईदैन पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, वो बिचारी तो मजहब से, दीन से करोड़ों मील दूर रही। लेकिन हक और ईमान से बताए वो बिचारी वो है जो स्पेस में सफर करती है, आसमानों में सैर करती है, स्पेस की दुनिया को उसने जो है खंगाल डाला, छान लिया, रिसर्च किया, वहां के अजाइबात की हकीकत उसने दुनिया वालों से बयान किया, है तो इंसान। ये इंसानी कमाल है कि इंसान चांद के ऊपर जा रहा है, ये इंसानी कमाल है इंसान समंदर की सतह को छू रहा है, ये इंसानी कमाल है एक हवाई जहाज बनाकर इंसान 400-500 लोगों को उसमें बिठाकर हवाओं में उड़ा रहा है, ये इंसानी कमाल है रॉकेट बनाकर अबरों में मारा जा रहा है, ये इंसानी कमाल है कि इंसान अपना
अपना एक सिस्टम बनाकर पूरी दुनिया को जो है एक काबू में करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इंसान अपने आलात के मस्नूई आलात के जरिए से हर इंसान का डाटा अपने पास जमा कर रहा है। आपकी पैदाइश कब है आपको नहीं मालूम, मगर जहां आपने आधार कार्ड बनाया उसको मालूम है आपकी पैदाइश क्या है, आपके बाबा की पैदाइश क्या है, आपके खानदान की पैदाइश क्या है। दुनिया बताने को तैयार है, मगर प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, ये जितने कारनामे दुनिया में नजर आ रहे हैं ये सब इंसानों के किए हुए हैं, मगर ये इंसान वही इंसान है जैसे आप इंसान है, मगर ये कारनामा ना आप में है ना मुझ में है मगर उनमें है। मगर याद रखो, हम नमाज रोजा ज़कात हज करने के बावजूद भी इंसान तो है, मगर वो इंसान इंसान होकर भी अजायब के मालिक नजर आ रहे हैं, अजीब खलकत के मालिक नजर आ रहे हैं, अजीब दिहानत के मालिक नजर आ रहे हैं, अजीब कारकर्दगी के मालिक नजर आ रहे हैं। हमने पूछा ए अल्लाह आखिर बात क्या है, कल्पना चावला आसमानों में स्पेस में सफर कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो रब ने जवाब दिया, क्योंकि फजल सब पे नहीं होता, जिस पे नवाजिश होती है वो कुछ करके गुजर जाता। वाह वाह, अरे पता क्या चला, रब का फजल खैरों पे हो जाए, रब का फजल खैरों पे हो जाए तो हम खैरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे रब का फजल जो प्यारों पे हो जाए तो प्यारों का मुकाबला कहां से हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, यही तो बात है, अल्लाह वालों के हाथ में नजर कुछ भी नहीं आता मगर रहता सब कुछ है, नजर कुछ नहीं आता मगर रहता सब कुछ है। इसीलिए तो हुजूर पाक अली सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है, अल्लाह ने मुझे खजानों की कुंजियां अता कर दी है, जिसे जो खजाना लेना हो वो दरे मुस्तफा पर आ जाए। आप बोलेंगे हजरत ये कैसे खजाने दे सकते हैं जबकि ये खुद चटाई पे सो रहे हैं, जबकि ये खुद ईंट को तकिया बनाए हुए हैं, जबकि ये खुद झाड़ को सहारा बनाए हुए हैं, ये कैसे खजानों के मालिक बन गए जबकि इनके नवासे करबला में बेसरो सामान नजर आ रहे हैं, ये कैसे नामालिक बन गए जबकि इनकी बेटी खादिमा तलब कर रही है। तो पता क्या चलता है, रब की बारगाह से जवाब आता है, मेरे बंदे मांग कर तो दे, मेरा मुस्तफा वो है नवाजने पे आए तो गुलामों को जन्नत भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह, माशा ने सवाल किया, हजरत रबिया खादिमे नबी हैं, सवाल किया, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं कुछ मांगू तो दोगे। हुजूर ने कहा मांग रबिया, क्या मांगना चाहता है, तेरा नबी देने को तैयार है। कहा या रसूल अल्लाह दुनिया में आपकी सोहबत नसीब हुई है, मुझे जन्नत में भी यही सोहबत चाहिए। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने कहा जा रबिया, तेरे नबी ने तुझे जन्नत में भी अपना सोहबत याफ्ता बना लिया। सुभान अल्लाह, ये है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह वालों की शान, अल्लाह के महबूबों की ये शान होती है, वो खाली हाथ में खजाने रखते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं। क्या है, अल्लाह के महबूब हैं, हमें मालूम है हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, हम अगर जाकर सजदे करें दुआ करें तो हमारी दुआ ऐसे जब हमारे पास से निकल के ऊपर जाती रहेगी, गुनाह बीच में आएगा दुआ को ऊपर जाने से रोक देगा, खता बीच में आएगी दुआ गुनाह को दुआ को ऊपर जाने से रोक देगी, सियाहकारी बीच में आएगी रब की बारगाह तक हमारी दुआ पहुंचने से रोक देगी, लफ्जिशें बीच में आएगी हमारी दुआओं को रब की बारगाह तक जाने से रोक देंगी। इसीलिए हमने डिसाइड किया दुआ तो जरूर करेंगे मगर किसी मदरसे में बैठकर बाद में करेंगे, मस्जिद में बैठकर बाद में करेंगे, दोस्तों के बीच बैठकर बाद में करेंगे, अल्लाह के वली के दरबार में बैठकर पहले करेंगे, वलीउल्लाह के दरबार में बैठकर पहले करेंगे। क्यों, क्योंकि अब जब वलियों के दरबार में बैठकर दुआ की जाती है तो मौला गुनाहगारों को बाद में देखता है, महबूबों का चेहरा देखकर दुआ पहले कबूल करता है। ये है अल्लाह के वलियों के पास
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए सुन्नी लोग जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वलियों के दरबार में आते हैं, और इन वलियों के सदके से अल्लाह हमारे मसलों को हल फरमाता है। और वलियों में यह कुव्वत है, आप देखें कैसी कुव्वत है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, गौसे पाक सरकार ने अपनी विलायत का ऐलान किया। क्या किया? विलायत का ऐलान किया। कदमी हादा अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गौसे पाक का यह ऐलान हुआ, पूरे बगदाद से यह ऐलान घूमता हुआ, कोहराम मचाता हुआ दुनिया के खित्ते खित्ते कोने कोने तक पहुंचा। खरासान की पहाड़ियों में सरकार गरीब नवाज है। जैसे ही आपने यह ऐलान सुना, आपने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के कदम ना सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरे आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम है सरकार गौसे पाक का। आओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे गौसे पाक ने अपनी विलायत का ऐलान किया, दुनिया दरे गौसे आजम पर दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर आने लगी। और उस जमाने में चंद मुनाफिकीन थे। कौन थे? जरा जोर से बोलो। हर दौर में थे, ये टेंशन लेने की बात नहीं है। नबी के जमाने से लेके सुबह कयामत तक हर दौर में ये मुनाफिकीन पीछे लगे हुए रहेंगे, मोमिनों को सताएंगे, शरारत करेंगे, बदमाशी करेंगे, जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे। ये पैदा होते ही हैं इसी काम के वास्ते, शरारत करने के लिए। इनका काम ही ये, अच्छे लोगों के पीछे उंगली करना। मुनाफिकीन करते ही ये काम है। आप भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पीछे लोग पड़ गए तो आप टेंशन नहीं लेना, मुनाफिकीन ऐसी काम करने को पैदा होते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही अपनी विलायत का ऐलान किया, मुनाफिकीन को बड़ा टेंशन हो गया। ये क्या है भाई, हम लोग इतनी मुश्किलों से लोगों को दीन से तोड़ रहे हैं, ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अपनी विलायत का ऐलान करके लोगों को जो है अपनी तरफ बुला रहे हैं, दीवाना बना रहे हैं, शैदाई बना रहे हैं, लोग इनके करीब जा रहे हैं, ईमान वाले अल्लाह वाले नेक हो जा रहे हैं, हमारी पूरी तरकीब बर्बाद हो गई। तो अब हुआ क्या, मुनाफिकीन क्या करें, बोले कि भाई अब मशवरा करेंगे, आज रात में तमाम लोग आ जाएं, आज हम मशवरा करेंगे कि गौसे आजम की विलायत को लोगों के बीच में कमजोर कैसे किया जाए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम का कैसे मजाक बनाया जाए, लोगों के दिलों से शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अजमत कैसे निकाली जाए, तरकीब बनाएंगे। सारे मुनाफिकीन का रात में मशवरा तय हुआ। मशवरे में सारे मुनाफिकीन जमा हुए और सब ने कहा, अमीर साहब थे, कौन थे जरा जोर से बोलो, अमीर साहब बोले कि भाई सबको मशवरा देना है कि किस तरीके से गौसे आजम की शानो अजमत की कमी की जाए, इनकी विलायत का मकाम कमजोर किया जाए, लोगों के दरमियान इनकी इज्जतों अजमत कम हो जाए। तब सारे लोग मिलके कहने लगे, एक मुनाफिक एक मशवरा दिया, अमीर साहब को समझ में नहीं आया, बोले मैं चुप बैठ क्या बात ना कर रहा, अभी दूसरे को बोले तू चुप बैठ, मैं तीसरा मशवरा दिया, सबको खामोश बिठाए। आखिर में क्या हुआ, अमीर साहब बोले मैं खुद मशवरा देता हूं, सुनो। बोले जी बोलिए क्या बात है। कहा देखो कल हम लोग एक काम करेंगे, एक जनाजा तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? जनाजा। और फिर जो है जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दावत देंगे कि भाई हमारे पास एक शख्स का इंतकाल हो गया है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने आइए। जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ाने आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे, पहली तकबीर कहेंगे, दूसरी तकबीर कहेंगे, वो जो जनाजे में लेटा हुआ होगा वो उठकर बैठ जाएगा, हम सब मिलके शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि देखो भाई ये वली है कि इनको इतनी तक खबर नहीं है कि डोले में लेटने वाला जिंदा है या मुर्दा है। अल्लाह आप अंदाजा कीजिए कितना चिल्लर मैंने नहीं,
छोटे दिमाग के लोग आए। जब नबी की रहमत से बंदा दूर हो जाता तो खुदा की कसम उन्हें वाकई चिल्लर हो जाता है, उसकी सोच भी चिल्लर हो जाती है, छोटी सोच। जनाजा तैयार करेंगे, उसमें आदमी को लिटाएंगे, गौसे आजम को बोलेंगे, उन्हें आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाए ना उठ के बैठ जाना, सब मिलके मजाक उड़ाएंगे। क्या गम्मत की बात आए, एक सियाले टिपिकल माइंड 1400 साल से यही प्लानिंग चिल्लर। कई जगह में बयान करने जाता हूँ, क्या करते हैं, बयान चलते रहता, वो जंक्शन पे जाके उन्हें वो वायरिच निकाल देता ताकि लाइट चले जाना, मौलाना का बयान होना ही चाहिए। अरे मैं बोला यहाँ भी चिल्लर लोग हैं। मैं आते ही आज एहसान भाई को पूछा, क्या भाई लाइट का मसला हो रहा है? नहीं जनरेटर है, बोले टेंशन नहीं। अजीब वो गरीब फॉर्म है भाई, हर जगह चिल्लर माइंड लोग हैं। और ये मुनाफिकत इसी चीज पर लोगों को आमदा करती है। तो सरकार कौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाने के लिए नौज बिल्ला नमाज जनाजा की बात हो रही है, तो अब वो मजलिस में बैठा हुआ एक मुनाफिक उठ के खड़ा हुआ और अमीर से पूछने लगा, साहेब आपने जो बात कही बिल्कुल हक है कि नमाज जनाजा होगी, गौसे आजम पढ़ाएंगे, जो लेटेगा वो उठेगा, बैठ जाएगा, सब मिलके मजाक उड़ाएंगे और लोग समझेंगे कि ये वली नहीं है, ये बातें तो सब अच्छी है। लेकिन पहले ये तो बताइए, वो डोले में जनाजे में लेटेगा कौन? सुभान अल्लाह, लेटेगा कौन? बोलते अमीर साहब परेशान हो गए, अरे ये तो मैं भी नहीं सोचा, ये तो मैं भी नहीं सोचा, परेशान हुए। परेशानी के आलम में अमीर साहब कहने लगे, तुम लेटो। तो वो शख्स बोला, ओ हजरत ये बात अपने साथ नहीं करना, फुगट में मरने की आदत नहीं है अपने को। बोले आपका मशवरा है, आप लेटिए। बड़ा परेशान हो गया अमीर साहब, बोले भाई अगर मैं लेटूंगा, अमीर साहब पतली गली से निकल गए, मैं अगर लेटूंगा तो फिर जाके गौसे आजम को दावत कौन देगा, पीछे से लुकमा कौन लगाएगा, हंसेगा कौन, लिहाजा मैं नहीं लेटता। तो बोले फिर कौन लेटेगा? तो अमीर साहब क्या करे, इधर उधर इधर उधर देख के बोले, हाँ वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा लेटेगा। इत्तेफाक से वो बेटा एक पैर का लंगड़ा था। बोला बाबा जान फुगट में मेकू बली का बकरा बना दे रहे, मगर बोला बाप की इज्जत रखना है, अमीर है उनकी बात रखना है, लाज रखना है। बोले मैं लेटने को तैयार हूं। चलिए अब तो जनाजा भी है, लेटने वाला भी मौजूद है, अब जाना है गौसे पाक को दावत देना है। रात भर बड़ी मुश्किल से करवटें बदलते बदलते रात गुजारे, सुबह उठे और सीधा दरबारे गौसे आजम में पहुंचे। सरकार गरीब नवाज को इन्होंने दावत दी कि सरकार कल आपको, आज आपको जोहर में हमारे पास एक जवान बच्चे का इंतकाल होगा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ानी है। गौसे पाक सरकार ने कहा, जी अच्छी बात है, मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, आप लोग चलिए। अजी बाजू वालों को देखे तो तुम पहचान लेते, मैं पहचान लेते, इन्हें बाजू वाला दिख रहा। बाजू वाला बोले तो मालूम, हाँ बाजू वाला मतलब जमात वाला, आप समझे। सुभान तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाजू वाले को आप में देखे तो पहचान लेते, गौसे आजम नहीं पहचाने। सरकार गौसे आजम ने कहा, अब तक काफिरों से कलमा पढ़ाता था नाना का, आज मुनाफिकों से नाना का कलमा पढ़ा लूंगा, आज मुनाफिकों से नाना का कलमा पढ़ा लूंगा। कहा चलो, मैं आने को तैयार हूं। जोहर की नमाज में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए और गौसे पाक सरकार आए, नमाज जोहर खत्म हुई। फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सरकार गौसे पाक जनाजे के करीब आ गए और आकर खड़े हो गए। खड़े होकर गौसे पाक ने चाहा नमाज पढ़ा दूं, लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे है, फातिमतुज़्ज़हरा के चमन के फूल है, रहम आया कि अगर जनाजे की नमाज पढ़ा दूं तो फुकट में जवान बच्चा मौत के घात उठा जाएगा। कहा कि इजाजत है कि नमाजे जनाजा पढ़ाओ? तो कहा हाँ हाँ हजूर इजाजत है, इजाजत है। हजरत गौसे पाक ने इसलिए पूछा ताकि कम से कम अब तो भी संभल जाते कि क्या है, मगर पट्टे नहीं संभल रहे। बोले इजाजत है पढ़ाइए। गौसे पाक ने कहा अच्छा पढ़ा दू, पढ़ा पढ़ा, पूरा बगदाद जमा हो गया जनाजे की नमाज पढ़ने, क्योंकि गौसे पाक पढ़ा रहे हैं। अल्लाह हू अकबर।
फिर रहम आया, गौसे पाक को पूछा जिंदगी पढ़ाऊं के मुर्दे की पढ़ाऊं। अल्लाह वाह वाह वाह, ये है अल्लाह के वली की शान। हम लोग समझते हैं हम लोग अजीजुल औलिया की जियारत कर रहे हैं, हजरत को कुछ भी नहीं मालूम, हजरत अंदर नहीं। खुदा की कसम, मेरा तो ये ईमान है वलियों के दरबार में जाकर कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। तुम क्यों आए, अल्लाह का वली जान लेता है। अल्लाह ने वलियों को इस शान और तसर्रुफ के साथ जिंदगी अता कर। अल्लाह प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे पाक ने कहा कि जिंदगी पढ़ाऊं के मुर्दे की, तो लोगों ने पीछे से मुनाफिकों ने आवाज दी, हजरत जिंदगी भी होती क्या? गौसे पाक बोले नहीं नहीं, मुर्दे की होती, जिंदगी नमाज जनाजा कैसे थी, मुर्दे की होती। बोले जी सरकार, मुर्दे की पढ़ाई। अल्लाह गौसे पाक, सरकार नियत करे, नियत करता हूं नमाज जनाजा की, नमाज अल्लाह ताला के लिए, दुआ मैयत के लिए। किसके लिए? जैसे ही लफ्ज मैयत गौसे पाक की जुबान से अदा हुआ, खुदा की कसम जिब्रील ने उस जवान की रूह निकाल ली। वाह वाह वाह, ये है गौसे पाक। जिब्रील, इज़राइल ने रूह निकाल ली, इज़राइल ने उस जवान की रूह निकाल ली। अल्लाह अकबर। फिर हुआ क्या? अब गौसे पाक सरकार ने कहा अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर गौसे पाक सरकार ने बांधी, जैसे ही तकबीर बांधी, अब मुनाफिकीन देख रहे हैं पीछे से, अब उठता दूसरी तकबीर में उठो, बोले उसको पहली है ना, अब उठता है ना। गौसे पाक सरकार फिर बोले अल्लाहु अकबर, और झांक रहे सब, उठ उठ के झांक रहे, अरे अब उठता, अब उठता, हल्ला ने हल्ला पे, अरे पर्दा हट रहा, इतना खिलाफ निकल रहा ही नहीं, अंदर ही लेटा हुआ, अरे उठ रहे, अब उठ रहे, अरे हौले कहां से उठता रे, तेरी जमात के मुल्ला ने रकत नहीं बांधी, आले मुस्तफा ने रकत बांधी है। ये है गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह, ये किसी जमात के अमीर ने नमाज नहीं पढ़ाई, ये बगदाद के शहंशाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने रकत बांधी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, शाने गौसे आजम। सुभानअल्लाह। अल्लाह, हुआ क्या दोस्तों? फिर उसके बाद गौसे पाक सरकार ने तीसरी तकबीर कही, जैसे ही तीसरी तकबीर कहे, इन लोगों की धड़कनें तेज हो गई, पूरी हॉल घबराहट शुरू हो गई, ये क्या हो गया, उठ रही नहीं, ख्याल आ रहा सो गया क्या, नींद लग गई क्या, एयर कंडीशन है, नींद लगने का डोला है जनाजा नहीं, अच्छा हुआ वहां मरने के बाद ही लेटना है, पहले लेटना रहे तो आदमी को नींद नहीं आती थी जिंदगी में। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब तीसरी तकबीर गौसे पाक सरकार कह दिए, हॉल घबराहट है बच हो गई, सरकार गौसे पाक ने अब चौथी तकबीर गई, जैसे ही चौथी तकबीर कहे, जमीन निकल गई पैरों के नीचे से, हॉल घबराहट है बच की इंतहा ना रही, परेशान हो गए। गौसे पाक सरकार ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरे। गौसे पाक सरकार जाने लगे, सारे चाहने वाले गौसे पाक सरकार के दस्तबोसी में लगे, और ये मुनाफिकीन गौसे पाक को छोड़ दिए, जनाजे पे टूट पड़े, चादर हटा के फेंक दिए, देखे क्या है, जिसको लिटाए थे अच्छा खासा जवान बच्चा मर गया, मौत के घाट उतर गया। एक आदमी पकड़ के हाथ ना सहला रहा, अरे उठ रहे बड़े भाई उठ, एक जना पैरा सहला रहा, एक जना बॉडी को हला रहा, एक जना ये कर रहा, बाबा आके यूं पंप मार रहा सीने पे, हार्ट अटैक का मरीज है, मारते ही उठने। बोले ये हार्ट का मरीज नहीं है, ये गौस की मार का मरीज बना हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हुआ क्या दोस्तों? अब सरकार गौसे पाक जाने लगे, बच्चे का बाप जितनी कोशिश कर सकता था सारी कोशिश कर लिया, और समझ गया कि अब उसका बेटा मौत के घाट उतर चुका है, उसकी मौत वाकई हो चुकी है, अब वो जिंदा नहीं होगा। तो बाप ने क्या किया, दौड़ा दौड़ा सरकार गौसे पाक के पीछे भागा, और सरकार गौसे आजम के कदमों को पकड़ लिया, पकड़ कर कहा सरकार, सरकार मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपका मजाक
उड़ाने गया था, लेकिन मैं खुद मजाक बन गया हूँ। मेरी इस नापाक हरकत की वजह से मेरा जवान बेटा मौत की घाट उतर गया है। सरकार मुझे माफ कर दो और मुझे माफ कर दो। सरकार के कदमों पे नाक रगड़ने लगा। सरकार गौसे आजम ने कहा, मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, मैं इसको इतना तड़पता कैसे देख सकता हूँ। गौसे पाक ने हाथों से उठाया, उठाकर कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं है, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो कहा, सरकार जब माफ कर दिए हो तो जरा पलट कर वापिस आओ, पलट कर वापिस आओ। गौसे पाक ने पूछा, अब क्यों आओ, अब तो जनाजे की नमाज हो चुकी है। कहा, नहीं सरकार, गौसे पाक सरकार आए तो उसने कहा, सरकार अब मेरे बेटे को जिंदा करो। परेशान हो गए, सारी मजलिस परेशान हो गई। बोले, गौसे पाक तू ये कैसे कह सकता है कि मैं तेरे बेटे को जिंदा करूं, तू ये कैसे कह सकता है। तो कहा, सरकार अगर आपकी जुबान से तकबीरात निकल जाए, जिंदा मुड़ता हो सकता है, तो मेरा ईमान है आप फिर से जुबान हला दो, मुर्दा जिंदा भी हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। कहा, सरकार आप जरा जुबान हला दो, मेरा ईमान है मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा शान देखो वलियों की दोस्तों। सरकार गौसे आजम को रहम आया, कहा कि इसकी गलती की वजह से जवान बच्चे की जान क्यों चली जाए। सरकार गौसे आजम ने क्या किया, उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया। बढ़ाकर गौसे पाक कुरान नहीं पढ़े, हदीस नहीं पढ़े, फिका के मसले नहीं पढ़े, तस्बीले के वजायफ नहीं पढ़े, गौसे पाक कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई वजीफा नहीं पढ़े। गौसे आजम की जुबान की शान तो देखो, क्या शान है वलियों का मकाम तो देखो। गौसे पाक ने सिर्फ इतना जुमला कहा, हुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, बस इतना जुमला कहना था। वो बॉडी के अंदर हरारत आई, पैर हलने लगे, हाथों में हरारत पैदा हुई, होठों में जुम्बिश आई, आंख के पलक उठे, आंख खोला तो गौसे पाक को देखा कि हाथ बढ़ा के खड़े हैं। हाथ उठाया, गौसे आजम के हाथ में दिया और देकर गौसे पाक के हाथ में खड़ा हो गया। और एक बात सुन लो, जब गौसे पाक ने खुम्बी इज़्निल्लाह का जुमला नहीं कहा था तो बाप से पूछा था कि तूने तो लिटाते वक्त लंगड़े को लिटाया था, एक पैर वाले को लिटाया था, अब बता तुझे एक पैर वाला चाहिए या दो पैर वाला चाहिए, एक पैर वाला चाहिए या दो पैर वाला। तो उसने कहा, हुजूर मेरे बेटे को दो पैर वाला करके उठा दीजिए। गौसे पाक ने जब उठाया तो उठने वाला, लेटते वक्त तो एक पैर से लेटा था, मगर उठते वक्त दोनों पैरों पे खड़े होके उठ रहा। ये है अल्लाह के वलियों की शान। अल्लाह के वली क्या करते क्या करते, ये करते अल्लाह के वली। ये अल्लाह के वो बंदे होते हैं, इनकी जुबान हल जाए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, इनकी जुबान हल जाए मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सब एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। सरपरस्ते जलसा कायदे अहले सुन्नत मुफक्किरे अहले सुन्नत पासबान मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कादरी की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरगाही, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला, अजीज़ुल औलिया कॉन्फ्रेंस। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वलियों के मकाम को समझो। औलिया अल्लाह बेशक इंसान है, मगर हमारी तरह आम दर्जे के इंसान नहीं। जरा जोर से बोले भाई, हमारी तरह आम दर्जे के इंसान नहीं है। पैदा तो हम भी हुए हैं, पैदा तो नबी भी हुए हैं, लेकिन नबियों के पैदा होने की शान कुछ और है, हमारे पैदा होने का मामला कुछ और है। अल्लाह के महबूबों की शान कुछ निराली है दोस्तों। नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, नमाज तो वो भी पढ़ते हैं जिनको अल्लाह ने विलायत का मकाम अता किया। देखो, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज पढ़ते वक्त हमारा ख्याल हमारे बीवी में, बच्चों में, दुकान में, कारोबार में, तिजारत में, दोस्तों में, खानदान में, कबीले में, रिश्तेदारों में अटका हुआ है।
कई मर्तबा तो ऐसा उलमा से सुनने में आया, अगर कोई चीज याद नहीं आ रही नमाज पढ़ लिए तो याद आ जाती गजब। हमारी नमाज का आलम यह है कि हमारी नमाज में अल्लाह की तरफ दिल लगता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सय्यदुना इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह, कौन जरा जोर से बोले, इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तफसीर दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ाई जाती है और सुन्नियों के मदरसे में भी पढ़ाई जाती है। यानी कि ऐसी मोतबर शख्सियत है कि बद अकीदा लोग भी इनकी तसनीफ का रद्द नहीं कर सके। ऐसी जात हजरत सय्यदुना जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह। आप जरा गौर करें दोस्तों, सरकार जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि जब मैं 15 साल का था तो पहली मर्तबा मुझे काबतुल्ला शरीफ की जियारत नसीब हुई। मैंने काबे का खिलाफ पकड़कर दुआ की कि ए अल्लाह मुझे हाफिजुल हदीस बना दे। अल्लाह ने मेरी वो दुआ को कबूल की और मैं 2 लाख हदीसों का हाफिज हुआ। कितने? 2 लाख। जरा जोर से बोले, 2 लाख हदीसों का हाफिज हुआ। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से मुझे सिर्फ 2 लाख हदीसें ही मिली, इसलिए मैं 2 लाख हदीसों का हाफिज बना। अगर मुझे और भी 2 लाख मिल जाती तो मैं उसको भी याद कर लेता। अल्लाह हू अकबर। आप अपनी जिहालत का अंदाजा इस बात से करवाते हैं। फिर उसके बाद हजरत जलालुद्दीन सय्यूती इतने बड़े दर्जे के आलिम, 2 लाख हदीसों के हाफिज और तफसीर मुफस्सिर कुरान, अपने वक्त के एक बड़े इमाम। आप बगदाद की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह। नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे? नमाज। बगदाद की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कायदा इतना तवील हो गया, इतना तवील हो गया, लोग पीछे से लुखमे देने लगे। जोहर की नमाज में लुखमे दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर। हजरत सलामी नहीं फेर रहे, कायदे में बैठे हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लोग लुखमे देते 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 पीछे से उठ के चले गए। अरे क्या हुआ कि हजरत सलामी नहीं फेर रहे? उठे लोग चले गए पीछे से, नमाज तोड़ के चले गए, और थोड़े चले गए, और थोड़े चले गए, और थोड़े चले गए, यहां तक के हजरत का कायदा 2 घंटे से ज्यादा तवील हो गया। 90% मस्जिद खाली हो गई। बाज लोगों को ख्याल आया कि हजरत का इंतकाल होगा नमाज में, लेकिन बाज जो आपके खास सोहबत में रहने वाले थे वो आपकी इस कैफियत को समझे हुए थे। उन्होंने कहा कुछ भी होगा खामोश बैठो हजरत के पीछे, हजरत बैठे बैठ जाओ, खाली बैठे रहे। बिल्कुल अब जोहर की नमाज का वक्त खत्म होने वाला है, आप सलाम फेर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वली की नमाज और हमारी नमाज क्या है बता रहा हूं। बाज लोग जो बोलते नहीं, वली हमारे से भाई आम इंसान है, उन्होंने भी एक इंसान है, उन्होंने क्या ऐसी खेत की मूली है जो जाके उनका ने फातिहा पढ़ना, दरूद दे पढ़ना, उनसे मांगना, उनको वसीला बनाना, उनको वास्ता जरिया बनाना क्या जरूरी है। जो लोग कहते हैं वो ख्याल का रद्द करने ये बातें सुना रहा हूं। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही सलाम फेरा, दुआ की, खास मुरीदीन करीब आए, बोले सरकार आखिर बात क्या है आखा, इतना लंबा इतना तवील कायदा कि लोगों के जहनों में यह ख्याल आया कि आपका इंतकाल हो गया, आखिर बात क्या है सरकार। तो इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो बाबा, मैं जब कभी भी कायदे में बैठता हूं नमाज में, कायदे की हालत में बैठता हूं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अत्तहियात में पढ़ते ना, कहते बाबा मैं इतना पढ़ के रुक जाता हूं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मैं अपने आखा को सलाम करके रुक जाता हूं, उस वक्त तक आगे का नहीं पढ़ता जब तक मदीने वाले नबी की बारगाह से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, जब तक ये जवाब नहीं आता मैं आगे पढ़ता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
हमारी नमाज में हमारे बीवी बच्चे कारोबार तिजारत दोस्त अहबाब फंसे हुए हैं, वलियों की नमाज में आमिना के लाल का जवाब लगा हुआ है। ये है हम में और इनमें फर्क, हम समझे नहीं हम कौन है इनो कौन है। अल्लाह अल्लाह, फिर हुआ क्या, फरमाते हैं मैं जब भी सलाम करता हुजूर के सलाम पेश करते ही जवाब इनायत फरमाते, लेकिन आज ऐसे हो गया मैं हुजूर को सलाम किया जवाब नहीं आया, मैं कुछ देर बैठे रहा, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जवाब नहीं आया, मैं फिर बैठा रहा, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं थोड़ी थोड़ी देर से सलाम करते रहा जवाब नहीं आया, अभी चंद लम्हे पहले आखा की बारगाह से जवाब आया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह अल्लाह, अब जवाब मिला तो मैं आगे पढ़ा, फिर दरूद इब्राहिम पढ़ा, दुआए मासूरा पढ़ा, और फिर मैंने सलाम फेरा। अल्लाह अल्लाह, आज जवाब देर से आया इसलिए मेरा कायदा लंबा हो गया है। यह है अल्लाह वालों की नमाज, यह है औलिया अल्लाह की नमाज। हम समझे ही नहीं वली क्या होता है, वली कौन होता है। थोड़ी देर के लिए कॉमन सेंस यूज करो मेरे भाई, एक दो बात बताकर बात खत्म कर लेता हूं। देखो मेरे भाई, गौर करने वाली बात है, लोग अल्लाह की कुदरत को नहीं समझते, अल्लाह की शान अल्लाह की कुदरत नहीं समझते, वलियों के ऊपर गौर करते हैं ना, हमारे ऐसी से नो खाना इसने खा रहे, भूखे हैं, आठ आठ दिन से भूखे हैं, क्या कर सकते हैं, कहीं को ऐसा होता है, इन कैसा होगा, ऐसा कैसा, बस यही अपनी दीवानी अकल का इस्तेमाल करते हैं, बात इनके पल्ले नहीं पड़ते। आओ दोस्तों, वलियों की शान क्या है, हुजूर सैयदुना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना, बस इतनी छे दुनिया की औकात मेरे सामने, इतनी छे मेरी दुनिया, मैं दुनिया को ऐसे देख लेता हूं। अब बाज़ लोग ख्याल करते हैं, अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता, ऐसा कैसा देखते पूरी दुनिया को हथेली में दाई के राई के दाने के बराबर, ये कैसा हो सकता। हमारे को ये बात समझ में नहीं आ रही, और यही सवाल कर करके पूरे सुन्नी लोगों को बदअकीदा बनाने की मुनज्जम साजिश चल रही। सुन्नी लोग भी बेचारे भोले भाले, कभी अल्लाह वालों की उलमा की सोबत में बैठे नहीं, उनको मसले मालूम भी नहीं, जो बोले वाले हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हमारा सुन्नी भी बदअकीदा होते चले जाता। आओ दोस्तों, खुदा की कसम, गौसे पाक की इस करामत को अगर तुम समझना चाहते हो तो देखो राई के दाने के बराबर दुनिया कैसे देखते हैं। मैं आपको मिसाल देते हुए बात समझाते हुए चलता हूं। हमारा हिंदुस्तान बड़ा मशहूर है क्रिकेट के मामले में, कोई नहीं, क्रिकेट बहुत मशहूर है इंडिया में, यह अलग बात है बिहार की कोई टीम नहीं है, मगर मशहूर है इंडिया के मामलात में क्रिकेट बड़ा मशहूर है। आप जरा गौर करें प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब क्रिकेट का सीजन बड़ा उरूज में होता है, खुसूसन फाइनल मैच होता है, लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में फाइनल मैच हो रहा है। मैं इसलिए लॉर्ड्स की मिसाल ले रहा हूं क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े ग्राउंड्स में से वो एक है जिसके अंदर एक ही वक्त में कमोबेश 2 लाख आदमी बैठकर मैच देखते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, और 2 लाख आदमी बैठे हुए ग्राउंड में मैच देख रहे हैं, और बीच में 11 फील्डिंग के प्लेयर्स हैं और 2 बैट्समैन हैं, 13 प्लेयर मैच खेल रहे हैं, साथ में 2 एम्पायर हैं, टोटल 15 आदमी बाउंड्री में हैं, और अब इस मैच को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, वहां जैसे बॉलर भाग रहा है उसी रफ्तार के साथ पूरी दुनिया में टीवी पर वो मैच दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैच में वहां बोल डाल दिया 2 ओवर के बाद यहां दिख रहा, ऐसा नहीं है, वहां उन्हें ऐसा नाक को हाथ लगाया तो यहां पूरी दुनिया को दिख रहा हूं नाक को हाथ लगाया, एट ए टाइम विद इन सेकंड बराबर जो चीज वहां हो रही है यहां हम देख रहे हैं, और मैदान है इंग्लैंड में, मैच देखा जा रहा है मुजफ्फरपुर में,
एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाकर सारे लोग मैदान में बैठ गए, या टीवी स्क्रीन लगाकर लोग देख रहे हैं मैच, और एक साहब अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। कितने इंच का टीवी है? 24 inches, 32 inches का टीवी। साहब बीवी बच्चों के साथ घर में बैठ के मैच देख रहे हैं। मैच दिखाया कैसा जा रहा है? एक कैमरे के जरिए से, हेलीकॉप्टर पर वो कैमरा लगाया गया, और हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर है, और वो पूरा ग्राउंड जिसमें 2 लाख आदमी बैठे हुए हैं, आप मुजफ्फरपुर में बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक साहब अपने मकान पर अपने घर की 24 इंचेस की टीवी पर, और एक बिहार का रहने वाला अपने 500 पर एक छोटी टीवी लगाया 6 इंचेस की, उन्हें 6 इंचेस में देख रहा है, और मुजफ्फरपुर का नौजवान बोला ये कह रहे टीवियों पे देख रहे तुम लोग, अपने पास स्मार्टफोन हथेली में पकड़ा, फोन में देख रहा है, और फोन का स्क्रीन हथेली से भी छोटा है। सुभान अल्लाह, क्या देख रहा है? एक ही वक्त में 2 लाख आदमी ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और इन्हें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहा है। कितने आदमियों को? 2 लाख आदमी जो ग्राउंड में बैठे स्क्रीन पर देख रहा है। बोले मैं 2 लाख आदमियों को देख रहा हूं। अरे बाबला दीवाने, ये कैसे मुमकिन हो गया कि तेरी छोटी सी हथेली में 2 लाख आदमी कैसे आ गए? तो जवाब मिला के सुनो सुनो, ये अंग्रेजों का कमाल है, इन्होंने कैमरा बनाया, सैटेलाइट के जरिए से मैच को लाइव टेलीकास्ट किया, हर देखने वाला अपने घरों में बैठकर टीवीओं में देख रहा है, और मैं मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, और मेरे मोबाइल में वो इस मैच बताया जा रहा है, मैं 2 लाख आदमी को अपनी हथेली में देख रहा हूँ। तो सोचो मुसलमानों, अंग्रेजों का ये कमाल है कि कैमरा और मोबाइल बनाकर 2 लाख आदमी तुम्हारी हथेली में बता सकते हैं, और अगर खुदा अपने फजल से गौसे आजम की हथेली में राई के दाने के बराबर दुनिया दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात। ये अल्लाह की शान है दोस्तों, इसीलिए रब ने क्या कहा, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, कोई चीज अल्लाह के लिए ताज्जुब नहीं हो सकती, नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो समंदर के अंदर जिंदगियां दे सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों मां के पेट में बगैर किसी के जरिए के औलाद को खिला के पाल सकता है, 9 महीने तक जिंदगी दे सकता है, और मौला वहां बच्चे की परवरिश कर सकता है, तो वैसा खुदा खबरों में वलियों को जिंदगी दे दे तो क्या ताज्जुब की बात है, क्या ताज्जुब की बात है मेरे भाई। ईमानदारी से बोलो मेरे भाई, हम लोग खबरों पे कहीं भी जाते हैं इसलिए कि हमारी जिंदगी खबर से शुरू है और हमारी जिंदगी खत्म भी खबर पे है। हम लोग पहले खबर में थे, आप पूछेंगे मौलाना कहां थे खबर में? मां का जो पेट है ना, वो भी एक अंधेरा गड़ा है, वो भी एक खबर की मानिंद ही है। आप बताएं वहां पर आप जिंदा थे कि नहीं थे? जरा जोर से बोलो, हैबत होती नहीं तुम्हें? सुभान अल्लाह, जिंदा थे नहीं? मां के पेट में जिंदा थे, मां के पेट में हम लोग सांस भी लेते थे, खेलते भी थे, बाज बच्चे तो बहुत होशियार रहते, अम्मा के पेट में कुलाटियां भी मारते ना, जाके डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर स्कैन करके बोलती हूँ यू आर बेबी वेरी इंटेलिजेंट, हाँ वाई नाच रहा अंदर अच्छा, और बास तो इतने खतरनाक रहते हैं, अम्मा के पेट में जो है लोचते भी है अम्मा को, तकलीफा भी देते, खुशियां भी देते, मोहब्बतें भी देते, मां के साथ जो है खेलते भी है, वो मां महसूस कर सकती है। जरा गौर करो दोस्तों, ये जो मामलात है ये अल्लाह की कुदरत है। अब आप ईमानदारी से बताओ, मां के पेट में हम 6 महीने तक जिंदगी मिली, 3 महीने बनने में लगते हैं वो भी एक जिंदगी है, लेकिन कामिल अकमल बनने के बाद 6 महीने इंसान अपनी मां के पेट में जिंदा रहता है,
और खाता भी है, पीता भी है। ईमानदारी से बताओ कौन? दादी माँ खिलाए, नानी माँ खिलाए? नहीं, अल्लाह खिलाया अपने फजल से, अपनी कुदरत से, जैसे खिलाना था वैसे खिलाया। अरे जरा गौर करो दोस्तों, जब माँ निकाह करके अपने शौहर के घर को जाती है, उसके पेट में कुछ नहीं था, एक मनी का खतना लेकर रब ने 360 जोड़ वाला इंसान बनाया, आंख बनाए, कान बनाया, नाक बनाया, सर बनाया, बाल बनाया, जिस्म बनाया, हाथ बनाया, 360 जोड़ बनाया। और बनाकर रब ने इंसान को मां के जरिए खिलकत देकर जिंदगी अता की। अजी जब कुछ भी नहीं था, एक खतरा लेकर रब इतना सब कुछ बनाकर इंसान को जिंदगी दे सकता है। जिनको तुम खबरों में लिटा रहे हो, नमाज़े जनाजा पढ़कर जिनको छोड़ के आ रहे हो, जरा सोचो वो लोगों के पास तो हाथ भी है जिनको तुम लिटाए हो खबर में, पैर भी है, पेट भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, सब है। क्या नहीं है? रूह नहीं है, सिर्फ रूह नहीं है। लेकिन फरमाया जाता है जब मां के पेट में कुछ नहीं था तो रूह भी दानी गई, जिस्म भी बनाया गया। अब या तो जिस्म पूरा सलामत है, खाली जो रूह इज़राइल निकाल लिया है वो रूह वापिस देना है। अरे जब कुछ नहीं था तो वो मौला सब कुछ दे सकता है, अब खाली रूह वापिस देना है। और अगर रूह मेरा मौला खबर में रहने वालों को दे दे तो क्या ताज्जुब की बात है, क्या ताज्जुब की बात है मेरे भाई। इसीलिए खुदा की कसम, औलिया अल्लाह मुर्दा नहीं है, जिंदा है, पूरे शऊर के साथ जिंदा है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम अहलन दिया। हुजूर ने फरमाया कब्र वालों को सलाम करो कि ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो। सलाम किसको किया जाता है? मुर्दों को नहीं, सलाम जिंदों को किया जाता है, सलाम जिंदों को किया जाता है। सलाम करना इस बात की दलील है कि ये खबर वाले अपनी खबरों में जिंदा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, बदअकीदा लोगों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपना दीन खराब मत करो, अपनी जिंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल की रहमत से दूर मत करो। जितना हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल की जो है इत्तेबा व इताअत में जिंदगी गुजार कर अपने आप को इंतशार से, इख्तलाफ से, फितनों से, झगड़ों से, बदअकीदगी, बेदीनी, बद मजहबी से बचाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। والحمد لله رب العالمين।